हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं समीर मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपने इससे पहले देखा था कि मैंने एक्सट्रीम पंच कैट्स को जो है ट्रिम किया हुआ था। आज ये ट्रिम करने का तीसरा दिन है दोस्तों, तो तीसरे दिन में देखिए इसके घाव वगैरह कितने भर गए हैं। जड़ से ट्रिम करने से कुछ कुछ कट्स हल्के से लग जाते हैं, जिसको कट्स नहीं बोल सकते, वो सिर्फ स्किन के ऊपर से चल जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा गठान होती है। तो इस पे आपको क्या करना है, ये हमने देखिए नारियल तेल और कपूर बना करके रखा हुआ है। तो नारियल तेल और कपूर अगर आप एक एक दिन छोड़ करके कंटिन्यू लगाते हैं, तो उसकी बॉडी में चाहे घाव हो, फोड़ा हो, फुंसी हो, जैसे कि आप देखिए ये पुराना वाला जो इसके पूंछ के ऊपर में जो एक कवर था, पूरा एकदम से अच्छे से पूरा पैक हो करके उसके अंदर में पूरा एकदम दब रखा था, जहाँ पे बाल ही नहीं आते कभी, ठीक है, वो वाले एरिया पे अभी ट्रीटमेंट चल रही है दोस्तों। तो ये कब संभव है, जब हम इसको पूरी तरह से ट्रिम करते हैं। इसीलिए साल में एक बार अगर आप अपने कैट को ट्रिम कर देते हैं, तो आप विश्वास मानिए, कैट हो चाहे डॉग हो, अगर आप उसको अच्छे से ट्रिम करते हैं पूरे ज़ीरो करके, और उसके ऊपर नारियल तेल और कपूर लगा करके अगर आप छोड़ देते हैं, तो वो जो है वो अंदरूनी जो इन्फेक्शन है उसको तो ठीक करता ही करता है, ऊपर से जो घाव वगैरह है उसको भी साफ़ कर देता है पूरे अच्छे से, ठीक है। तो इस टाइप का आपको, जैसा मैं सहला रहा हूँ, इस टाइप का नारियल तेल और कपूर को लेकर के पूरी बॉडी पे मसाज कर देनी है। बॉडी पे मसाज करने से जो डेड स्किन जो है वो तो निकल ही जाते हैं, और उसके साथ में छोटे छोटे फंगस वगैरह और जो टिक्स वगैरह जो होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। और जैसे आप देख पा रहे हैं सामने का फेस का हमने बाल छोड़ रखा है, तो फेस के बाल के लिए जब भी आप नहलाएं तो उसको बड़े सावधानी से बढ़िया शैम्पू वैम्पू से साफ़ करके आप उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और ये जो आप स्किन के ऊपर में जो देख पा रहे हैं, ये बहुत बड़ा सा एक फंगस टाइप का था, क्योंकि यहाँ पे टिक्स लोग जो हैं घर बना लिए थे। इतना हम एक्चुअल में इतना डैमेज होने देते नहीं हैं। ये हमारे एक फ्रेंड ने हमको कमेंट किया था कि सर बहुत ज़्यादा टिक्स हो गया है, और उसके साथ में कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा गठान हो गए हैं बॉडी पे, है ना, तो वो नहीं निकल रहा है, चाहे कैंची से भी काट रहे हैं तो स्किन उसका कट जा रहा है बोल करके। तो हमने एक ट्रिमर मंगाया है दोस्तों, ठीक है, फिटोलॉजी का आता है, समझिए 1700-1800 रुपये का, ज़्यादा खर्च भी नहीं करने हैं। और अगर आप पेट लवर हैं, देखिए कैसे ये एक वो मिला था हमको टिक्स जो कि मरा हुआ था, ठीक है। नारियल तेल और कपूर से टिक्स तो मर जाते हैं, लेकिन आपको गौर ये करना है कि जिसके शरीर में पूरे बाल हैं उसको आप नारियल तेल और कपूर उसी जगह पे लगाइए जहाँ पे घाव हो गया है, या तो फिर जहाँ पे उसको एक्स्ट्रा कट लग गए हैं, या तो फिर फंगस या इन्फेक्शन है, उस जगह पे कर सकते हैं। नारियल तेल और कपूर लगाने का सबसे अच्छा तरीका ये है दोस्तों, कि आज रात में आप नारियल तेल और कपूर लगा दिए और सुबेरे आप उसको शैम्पू कर दिए। तो देखिएगा, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि हमको जो शैम्पू करने का नियम है, ठीक है, वो महिलाओं में या पुरुषों में या जानवरों में, रात को अगर आप नारियल तेल या किसी भी प्रकार का तेल यूज़ कर रहे हैं, तो सुबेरे अगर आप उसको शैम्पू करते हैं तो आपकी हेयर क्वालिटी और हेयर की थिकनेस अच्छी बनी रहती है, ठीक है, तो वो चीज़ इनमें लागू होता है। देखिए इसके यहाँ पर भी कुछ कुछ फंगस वगैरह थे, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम वगैरह था, तो उसको भी हमने जब नारियल तेल और कपूर, आज ये दूसरा दिन है, आज हमारे बिल्लियों को लगभग, इस बिल्ली को लगभग हमको 6 दिन हो गए ट्रिम किए, और 6 दिन में देखिए कितना अच्छा बाल आ गया है इसके शरीर पे। और मुश्किल से 6 दिन, 12-15 दिन में ये इतना अच्छा शॉर्ट हेयर कहलाएगा कि देखने लायक हो जाएगा, ये कैट धीरे धीरे खूबसूरत हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम ज़ीरो ट्रिम करें, ज़ीरो ट्रिम आप तभी करें जब आपको ज़रूरत हो, ठीक है, और इस टाइप का फंगस जो है ये सब निकल जाएगा। हम जानबूझ करके इसको उतना ज़्यादा केयर नहीं कर रहे थे, ताकि आप लोगों को दिखा सके कि एक बिल्ली के ऑनर को जो डॉग्स के ऑनर को क्यों ट्रिम करना चाहिए। ट्रिम करने से बॉडी के अंदर में, जैसे कि अभी दिखाएंगे आपको, इसके एक जगह में पूंछ के पास थोड़ा सा डैमेज था, और कब से था क्या था हमको खुद को नहीं पता, ठीक है, तो उस जगह को हमको ठीक करने के लिए या उस जगह को हमको चेक करने के लिए अब अलग से पूरी बॉडी का एक एक करके तो देख नहीं सकते, क्योंकि भाई ये ग्रूमिंग वगैरह कर देंगे, देख लेंगे, बहुत अच्छे से रख लेंगे, है ना, और कहीं खाना पीना दे देंगे, हो जाएगा। जैसे कि
इससे पहले जब हमने ट्रिम किया था तो आपको दिखाया था कि हमने कान में इसके थोड़ा थोड़ा तेल डाला था। तो कान में तेल डाल करके अगर आप सफाई भी नहीं करेंगे, खाली कान में तेल डाल देंगे, तो भी धीरे धीरे मैल जो है फूल करके ये लोग झाड़ वाड़ लेते हैं, तो फिर वो पूरी तरह से निकल जाता है। ठीक है, इसका भी आपको खास ध्यान देना पड़ेगा। और बीच बीच में खाली आप तेल ही डालते रहिए और हल्का पोंछ दीजिए, उससे साफ़ हो जाएगा। ये हमारा एक्सट्रीम पंच का टॉप क्वालिटी का मेल है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं। ये ऐसे करने के लिए आपको बीच बीच में अपने कैट्स को हैबिट दिलाना होगा, हाथ वाथ लगाते रहना होगा। देखिए ये अभी क्या है, थोड़ा कैट स्ट्रेस में है बोल करके ये थोड़ी गंदगी लग रही है ना। तो हमारे एक्सट्रीम पंच में भी जैसे दूसरे एक्सट्रीम जो होते हैं जिनमें हमेशा साफ़ सफाई की ज़रूरत पड़ती है, इसको उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। और दूसरे कैट जिनको हैबिट नहीं है वो लोग ऐसा करने बिल्कुल नहीं देते हैं। तो आप बीच बीच में जब अपने कैट्स को या अपने पेट्स को खिलाएंगे नहीं, अपने साथ में थोड़ा सा प्ले नहीं करेंगे, तो फिर ऐसा मुश्किल जाएगा आपको। इसीलिए अगर आप कैट लवर हैं या डॉग लवर हैं, जो भी हैं, अपने कैट को थोड़ा सा हैबिट दिलाइए, अपने साथ में रखने का थोड़ा सा हैबिट दिलाइए। फिलहाल हम बात करते हैं इसके आंखों की सफाई के लिए। एक्सट्रीम पंच में और सेमी पंच में ये प्रॉब्लम होता है, डॉल फेस में ऐसा कम देखने को मिला है, ऐसा होता ही नहीं है डॉल फेस में। ठीक है, लेकिन ये उनसे कई हाई लेवल के हैं और सुंदर दिखते हैं। ये अगर एक से दो बार आप कर रहे हैं, उसके बाद भी बार बार आ रहा है, तो आप डॉक्टरी सलाह ले सकते हैं, या तो फिर होममेड के हिसाब से आप अगर ट्रीटमेंट करना चाहें तो घास की छोटी छोटी बालियां जो हैं आप किसी टब में उगा लीजिए और इनको खाने के लिए दीजिए। क्योंकि ये जो होता है ये स्पेशली डिवॉर्मिंग के वजह से होता है, आई इन्फेक्शन की वजह से होता है, और कई बार अपने आप भी हो जाता है, तो थोड़ा मोड़ा सफाई करने से चला जाता है। देखिए इनमें एक चीज़ है, बिल्लियों को कम नहलाया जाता है तो ये गंदगी कम होते हैं। आप जहाँ कहीं भी रख रहे हैं पॉटी के लिए ट्रे लगाइए बाकायदा इनका, क्योंकि ये लोग ट्रे में ही पॉटी करते हैं। अपने फर्श को ये लोग खुद साफ़ सुथरा रखते हैं, ज़्यादा गंदा होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि दिन में एक बार पोछा लगा दें। जैसे कि हमने 8x14 का एक रूम बनाया हुआ है इनका, उस टाइप का। ठीक है, तो रूम पे अगर रख रहे हैं तो हमारे लिए ज़रूरी बनता है, या तो फिर आप जैसे घर में रख रहे हैं, केज में रख रहे हैं, तो केज में तो फिलहाल कैट्स मत रखा कीजिए, क्योंकि कैट्स केज में रखना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। अगर केज में भी रख रहे हैं तो खुले में रखिए, बीच बीच में केज में बंद कर दिए। केज में रखने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि केज में ये ढंग से खेल नहीं पाते हैं। थोड़ा सा बड़ा केज हो, कमरा हो, बढ़िया घूमने उमने का एरिया हो, ठीक है, तो कोई सा भी जानवर अच्छा फील करता है अगर थोड़ा फ्री रेंज में रहता है। तो देखिए ये कितने अच्छे से ये साफ़ करने दे रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसको, क्योंकि ये जानता है कि हम इसकी सफाई कर रहे हैं। शुरू से आदत करेंगे तभी ऐसा हो पाएगा। अब हम आपको दिखाते हैं ये वाली जो पूंछ का जो आप देखे अभी, वो कट, ठीक है, वो कट पहले से था, हमको पता नहीं है कब इसको चोट लगा, कब क्या हुआ, हमको इसकी जानकारी ही नहीं है। तो वो चीज़ हमको कैसे पता चला, जब हम इसकी ग्रूमिंग किए, इसको कट किए, पूरा ट्रिम किए इसको, तब हमको पता चला। ठीक है, देखिए कैट को भी कितना अच्छा लग रहा है, ये बहुत ही सुंदर कैट है। हम इसका फ़ोटो आपको लगाते हैं, देखिएगा, दिल खुश हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं करता है, खाता पीता सोता है, बहुत अच्छे से रहता है। आप इस टाइप का जो डॉग्स लोगों को नहलाने के लिए आप यूज़ करते हैं, वो भी आप ले करके थोड़ा सा ऐसे नारियल तेल और कपूर इसके ऊपर डाल करके आप आराम से इसके ऊपर ऐसा लगा करके आप इसको मसाज कर सकते हैं, जैसे हम कर रहे हैं। तो इससे क्या है, मसाज करने से इनकी जो नीचे की जो डेड स्किन है वो निकल जाएगी। तो ये कब निकलेगा, जब आप इसको जीरो से ट्रिम करेंगे। दोस्तों क्लियर बात है, फाइनल बात है, जिस कैट को आपको लंबे समय तक रखना है और जिसको आप अच्छे से लॉन्ग समय तक आप उसको पालना चाहते हैं या पाले हुए हैं एक लंबे समय तक, तो आपको ये काम करना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप जीरो से इसको ट्रिम करके ऐसा करते हैं तो इसको 99% रिलीफ मिलता है, और आने वाले समय में इसकी हेयर क्वालिटी लाजवाब होती है। ये चीज़ बहुत अच्छा है, क्योंकि गर्मी में वैसे भी बिल्लियाँ पसंद नहीं करती हैं थोड़ा सा अपने बाल वाल को, ठीक है, और कई बार जैसे बहुत ज़्यादा बाल हो जाने से आप ध्यान नहीं रख पाते हैं तो फिर अपने बाल को चाट चाट के खा जाती हैं, फिर उसको उल्टी करती हैं, उसका मतलब डिवार्मिंग करने के लिए बोल रहे हो। ठीक है, अब इससे आपको मसाज कर रहे हैं तो देखिए इनको कितना अच्छा फील हो रहा है। ठीक है, अभी देखिए इसका चेहरा कितना सुंदर हो गया है,
ट्रिम करने का ये सीधा सीधा सिद्धांत ये है कि आपको गले के ऊपर जैसे हमने बाल छोड़ा हुआ है उतना को छोड़ देने से अच्छा दिखता है, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है उसको काटना, वो साफ़ सफाई में ख़त्म हो जाता है। पंजे के नीचे में भी थोड़ा थोड़ा छोड़ दीजिए, क्योंकि वो जब बैठता है चलता है तो उसमें ज़्यादा गंदगी नहीं लगती है। दोस्तों, बाल इनके शरीर में इसीलिए होता है कि ये कहीं पे बैठे हैं तो बाल में लगे और जब झाड़ दें तो फिर पूरा निकल जाए। स्किन में डायरेक्ट अगर चिपकेगा तो ये उतने ज़्यादा साफ़ सफाई मतलब ठीक है, कैसे साफ़ सफाई करेंगे, चाट की तो साफ़ सफाई करेंगे, है ना। तो बाल जैसे रहता है तो झाड़ देते हैं तो निकल जाता है। अब आपको बताते हैं, ट्रिम करने के बाद एक प्रॉब्लम आती है जो कि मच्छर की हो, 12 महीना मच्छर उसको काटता रहेगा। तो फिलहाल अभी आपको 15 दिन कैसे रखना है, 15 दिन आपको इस टाइप का जाली है, नीचे में बोरा है, ताकि वो तेल भी अगर लगे तो बोरे में ही लगे, जैसे आप देख रहे हैं। इसमें रखने के बाद एक हमारे पास एक अच्छी मच्छरदानी है, ठीक है, उस मच्छरदानी से हम अभी इसको ढक देंगे। तो ये अभी फ़िलहाल ये हर दो दो तीन तीन दिन में तेल लगाने वाला काम है, डेली वाला काम है नहीं। और अगर आप अपने जानवर से प्यार करते हैं तो फिर डेली लगाइए कि एक दिन लगाइए, जो भी है। बार बार लगाने से भी नारियल तेल कपूर उसके पेट में जाएगा, इसीलिए हर 2 दिन में लगाइए और रात को इस टाइप का आप उसको ढक दीजिए। दिन में तो फिर इसको हम कमरे में छोड़ देते हैं, इसको जहाँ मर्जी, ये अपना ऊपर में बैठने का जगह है वहाँ बैठे, नीचे बैठे, आसपास बैठे, तेल तेल करेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। वो नारियल तेल लोग खाते भी हैं, पानी में विनेगर भी मिलाना रहता है। और कैट से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ हम देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें।